हाँ, सवाल जवाब में आपका स्वागत है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और लगभग 50 क्वेश्चन का हम लोग सवाल जवाब करेंगे बहुत ही कम सेकंड में। व्हाट वाज 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? वो फ्राइडे था। कैसे निकला? फ्राइडे आंसर है। अब देखिए, 1946 के बाद, मतलब 31 दिसंबर 1946 हुआ, उसके बाद 1947 हुआ। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 फार्मूला से आते हैं। 1600 बराबर अकॉर्डिंग टू, मैंने और डे 1600 मतलब 0 हुआ और 300 का मतलब 1 हुआ। और 46 साल के अगर देखें हैं तो 35 साल जो ऑर्डिनरी ईयर होगा और 11 जो होगा वो लीप ईयर होगा। तो 35 गुने 1 होगा, 11 गुने 2 22 होगा, और यह दोनों को जोड़ेंगे हम तो 57 होगा। जब हम इसको 57 होगा तो 8 वीक 1 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा ये हुआ, 1 दिन एक्स्ट्रा ये हुआ। अब जनवरी फरवरी मार्च वाला हम जोड़ेंगे तो 227 हुआ। 227 में 32 वीक हुआ और 3 दिन हुआ, तो 3 दिन मेरा एक्स्ट्रा ये हुआ, तो 3 दिन ये और 2 दिन उधर, 5 दिन। तो और 5 डे, और डे का मतलब हुआ फ्राइडे। 5 का मतलब होता है फ्राइडे और 6 का मतलब होता है सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आज मंडे है तो आज से 61वां दिन कौन सा होगा? जैसे कि आज मंडे है तो ईच 7 दिन में ये रिपीट होता रहेगा, तो 7 9 63, 63 जो है वो भी मंडे होगा। तो मंडे 63 है और 61 दिन के बाद हमको बात करना है, तो 2 दिन घटा देंगे। तो मंडे से पहले कौन सा आएगा? संडे। संडे से पहले कौन सा? सैटरडे। इस प्रकार सैटरडे आंसर हुआ। दूसरा आते हैं, 1 जनवरी 2006 को संडे था और 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, आइए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। 31 दिसंबर 2005 को ये सैटरडे था और हम वैसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए कितना आसानी सॉल्व करेंगे। जैसे कि 1 जनवरी 2006 को संडे था, 1 जनवरी 2007 को कौन सा हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा? वो ट्यूसडे हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे। और 1 जनवरी 2009 को 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि फरवरी 2008 है कि लीप ईयर वर्ष, तो हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। एक और बढ़ गया, हो जाएगा फ्राइडे। इस प्रकार फ्राइडे सही हो गया। व्हाट वाज द 28th, मतलब 28 मई को कौन, 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? अब इसको निकालने के लिए हम 2000 का समीकरण उपयोग करेंगे। चलिए, 28 मई 2006 के लिए 2000 प्लस पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 जनवरी से लेके, 1 जनवरी 2006 से लेके 28 मई 2006 तक होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे 2000 लिखे हैं, ये 1600 के जगह 2000 लिख देना चाहिए। 2000 प्लस 5 में अगर देखा जाए तो 4 प्लस 1 एक ऑर्डिनरी ईयर हुआ, 4 ऑर्डिनरी ईयर, 1 लीप ईयर हुआ, तो ये 6 हुआ। शायद आपको नहीं समझ में आता होगा। 2000 प्लस करेंगे हम, 2000 प्लस 5, 4 में अगर निकलेगा ये 6 दिन और डे हुआ, 4 2 6, 6 दिन ये हुआ, इसमें 0 0 हुआ। यहाँ पे टोटल दिन कितना हुआ जी? 28 फरवरी जनवरी इतना हो गया 148 दिन, तो 21 वीक 1 दिन, तो 6 1 7 0 हुआ, तो ये और डे ही होगा, तो संडे ही होगा। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, मैंने कौन सा दिन जो 31 दिसंबर को नहीं हो सकता है? कहने का मतलब यही है, वो क्या ट्यूसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे हो सकता है, ट्यूसडे नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ दिया गया, 100 वर्ष में होता है 5 दिन, 200 वर्ष में होता है 3 दिन, 300 वर्ष में 1 दिन, 400 वर्ष में 0 दिन। तो जो 5 दिन का मतलब है वो कौन सा है? फ्राइडे होगा। 3 दिन का मतलब कौन सा है? वेडनेसडे होगा। और 1 दिन का मतलब है मंडे होगा, तो ऑप्शन में कौन सा है? ट्यूसडे, ठीक है। अब आगे आते हैं, 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? 16 जुलाई 1776 के लिए हम 1600 वाला कल हल करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, 1600 प्लस 100, तो 5 दिन, और 5 को दिन एक्स्ट्रा दिन हो गया 75 का। अब हम 76 है तो 75 का करेंगे, 18 को लीप ईयर और 57 को नॉन लीप ईयर है, तो 18 दुना 36 57, 93 दिन हुआ, 13 वीक प्लस 2 दिन हुआ ना। इस प्रकार 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ इधर, 5 को 7 को, तो 7 दिन ये हुआ। और यहाँ पे जनवरी वाला देखेंगे तो फिर क्या, 7 को तो 0 हो गया ना, 7 को 7 को या 7 रखने भी दीजिए,
यहाँ पे कितना हुआ, 28 वीक, 2 दिन, 2 दिन बढ़ेगा तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, आंसर निकला। अच्छा, व्हाट विल बी द 15 अगस्त 2010 को क्या होगा? अब देखिए 15 अगस्त 2010 को क्या होगा, ये देखिए 2000 पे निकालेंगे हम, 2000 पे निकालेंगे ना 2000, तो 2000 में 2 गो लीप ईयर हो जाएगा, 2000 में 2010 में 2 गो लीप ईयर हो जाएगा ना जी, 2 गो लीप ईयर, 7 गो ऑर्डिनरी लीप ईयर, तो हो जाएगा 2 और 7 2 9, तो 2 2 4 7 4 11, 11 दिन हुआ, 11 में 4 दिन और डे हो गया, और इस प्रकार 227 में कितना, 3 दिन ही हो गया, 4 3 7 बराबर 0 हो जाएगा, क्यों जी, संडे हो जाएगा। 17 जून 1998 को कौन सा दिन था, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लप्पर झुप्पम करने की क्या जरूरत है, बैक में आ चाहिए। सुल्तान में पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आ गया आपको 1600 प्लस 300 1900, 1600 इतना 301 हुआ, नहीं 97, 98 वाला है तो 97 हो जाएगा, 24 गुना लीपियर, 73 गुना लीपियर, 24 गुना 48, 73 जोड़ेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा, 121 दिन हुआ तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर जनवरी फरवरी करके जोड़ेंगे 168 हुआ, 168 में उसको वीक ओवर लेंगे 0 हुआ, तो वीक डेज कितना हुआ, 2 दिन हुआ, तो कितना हो जाएगा 2 दिन, 1 दिन पर इसका 3 दिन हुआ, ये वेडनेसडे हो जाएगा। इस प्रकार पहला सवाल खत्म हुआ।